हेलो फ्रेंड्स, एग्जामपुर 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों, चलिए आज हम लोग लुसेंट का पार्ट 6 प्राचीन भारत का वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, आप लोग अच्छे से लुसेंट को रिवाइज करते रहिएगा दोस्तों, एक से दो बार। और जो वीडियो 5 पार्ट तक नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 दोस्तों, या पार्ट 5, वो लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखिए आराम से दोस्तों, और एक से दो बार वीडियो देखिए। अगर बिहार में कोई भी नौकरी लेना है दोस्तों, या तो कोई भी ऑल इंडिया कोई भी जीके जीएस का एग्जाम होगा दोस्तों, आपको अगर जीके जीएस बढ़िया करना है दोस्तों, तो आप लुसेंट को एकदम जरूर से जरूर पढ़िए दोस्तों। लुसेंट का सीरीज में भाग तो जरूर से जरूर लीजिए दोस्तों। 30-30 मिनट का पार्ट आता है दोस्तों, एक एक पार्ट 30-30 मिनट का है दोस्तों। अभी प्राचीन भारत का पार्ट चल रहा है दोस्तों, प्लेलिस्ट बना दिया गया दोस्तों, आप लुसेंट के प्लेलिस्ट में जाकर एकदम अवश्य देखिए दोस्तों। खाना खाना भूल जाए, लेकिन दोस्तों इस लुसेंट का सीरीज में भाग लेना नहीं भूलिए दोस्तों, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों। क्योंकि हम लोग दो बार दरोगा निकाले हुए हैं दोस्तों, इसलिए फिर से बिहार में दरोगा देने जा रहा है दोस्तों, जिसके कारण हम लोग रिविजन के पर्पज से फिर इसको चला रहे हैं दोस्तों, जिससे आप लोगों को भी मदद मिले दोस्तों, और आप लोग भी इससे फायदा लीजिए दोस्तों। और जहाँ तक हो सके आप भाई बहनों से यही निवेदन है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, जितना से जितना हो सके चैनल को ग्रोथ करवाइए दोस्तों। जितना से जितना फैलाइएगा दोस्तों, उतना भाई बहनों को हेल्प होगा दोस्तों, मदद मिलेगा दोस्तों। इसे रिविजन में जिसे एक बार पढ़िए अपने बुक से दोस्तों, उसके बाद दो बार वीडियो देख लीजिए, सोने समय या खाते समय या तो सुबह उठते समय एक से दो बार वीडियो देख लीजिए दोस्तों, जिससे आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा लुसेंट कंठस्थ कर लिए दोस्तों। लगभग मानिए बिहार में जंग आप जीत लिए दोस्तों, जीके में जंग ही जीत लिए दोस्तों। लगभग जितना भी टॉपर का इंटरव्यू सुनिएगा दोस्तों, सभी का यही कहना है कि लुसेंट पढ़िए तब भी कोई उपाय है। लुसेंट पढ़ने के बाद दोस्तों इस पर क्राउन कराया जाएगा, फिर घटनाचक्र कराया जाएगा दोस्तों, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव जितना क्राउन और घटनाचक्र का दोस्तों पार्ट बाय पार्ट उसका भी कराया जाएगा दोस्तों। ये प्राचीन भारत का एपिसोड चल रहा है दोस्तों, आप लोग भाग लेना अवश्य नहीं भूलिए दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को करवाइए दोस्तों। चलिए दोस्तों बनाते हैं वीडियो। चलिए आज हम लोग दोस्तों ईसाई धर्म के बारे में पढ़ते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह वे प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है, और ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट वेल्थम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी था। ईसा मसीह की माता का नाम क्या था दोस्तों? मेरी था। और पिता का नाम जोसेफ था। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, ईसा मसीह के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे, वो उनका प्रमुख ग्रंथ बाइबिल था। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था दोस्तों। ईसा ने अपने जीवन का प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ इजराइल के में बिताए दोस्तों। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य थे, पहला एंड्रूज एवं पीटर था दोस्तों। पहला कौन था? एंड्रूज और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोटनियस ने चढ़ाया था दोस्तों। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ चिन्ह क्या है दोस्तों? क्रॉस है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है दोस्तों? क्रॉस है, जो गलवान पहनता है दोस्तों।
ईसाई चित्र में ईसाई ईसाई तित्र में विश्वास करते हैं, त्रित्व में विश्वास करते हैं। ईसाई जो है त्रित्व में विश्वास करते हैं दोस्तों। वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईसा ईश्वर पवित्र आत्मा है दोस्तों। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुआ दोस्तों। वस्तुकला की यह शैली गोथिक कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? गोथिक। वस्तुकला की यह शैली कैसी है दोस्तों? गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वस्तुकलात्मक शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में एक पेरिस का नोट्रडम चर्च है दोस्तों। पीछे एक बार देखते हैं दोस्तों। 12वीं सदी शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुआ। वस्तुकला की यह शैली गौथिक नाम से जानी जाती है। इस वस्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नोट्रडम चर्च है दोस्तों। पारसी धर्म, पारसी धर्म के पैगंबर जूरथ्रस्ट यानी ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जेद्दा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है, इनकी मूल क्या है दोस्तों? शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वाचन एवं सद्कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर और अहूर को मानते हैं दोस्तों। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है दोस्तों। इनके धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? अग्नि पूजक कहा जाता है। मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त था दोस्तों। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त था। इसकी राजधानी ग्रीवज्र राजगिरी थी। जरासंघ बृहदत्त का पुत्र था। जरासंघ जो था दोस्त बृहदत्त का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बिंबिसार। और मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठा है दोस्तों। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था दोस्तों। बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया दोस्तों। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने राजगिरी का क्या किया दोस्तों? निर्माण किया, निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बना लिया, विकसित किया दोस्तों। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज दोस्तों। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज वैध जीवक को भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से
वैशाली के चेतक की पुत्री चेलना से तथा मध्य प्रदेश यानी आधुनिक नाम पंजाब है, मध्य देश का नाम आधुनिक क्या दोस्तों, पंजाब की राजकुमारी क्षमा से शादी की। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों, बिंबिसार ने विवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से वैशाली के चेतक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश यानी आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी दोस्तों, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुनिक था दोस्तों, पिता की हत्या करने वाला पहला शासक था इसलिए इसका नाम दोस्तों कुनिक पड़ा था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। आजाद सूत्र ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। आजाद सूत्र कितने वर्ष तक शासन किया दोस्तों, 32 वर्ष तक। आजाद सूत्र के सुयोग मंत्री, आजाद सूत्र शत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षाकार यानी वृषकर था। इसी की सहायता से आजाद शत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा दोस्तों, यानी अजात शत्रु के बेटा उदयन था दोस्तों, उदयन ने अजात शत्रु की अपनी हत्या कर दी। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्रा की स्थापना की। उदयन किसकी स्थापना की दोस्तों, पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की, उदयन ने की दोस्तों। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था दोस्तों। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्तों, उदयन का पुत्र था नागदशक। ये अंतिम राजा हर्यक वंश का था दोस्तों। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्त यानी मारकर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर लिया दोस्तों, स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली में स्थापित की दोस्तों। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, नागदशक को उनके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्त करके यानी मार करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली में स्थापित की दोस्तों। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक के पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया दोस्तों। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक का पुनः राजधानी शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था जो पुनः राजधानी को पाटलिपुत्रा ले गया दोस्तों। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा दोस्तों नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन किस वंश का राजा था दोस्तों, शिशुनाग वंश का। चलिए दोस्तों आगे, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था दोस्तों। नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, महापद्म नंद एवं अंतिम शासक घनानंद था दोस्तों। अंतिम शासक कौन था दोस्तों, घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध से पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की दोस्तों। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था एवं अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर के समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की दोस्तों। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ दोस्तों। उसका पिता कौन था दोस्तों, फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना।
इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई सिकंदर दोस्तों अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर कौन था दोस्तों? अरस्तु का शिष्य था, यानी सिकंदर का गुरु था दोस्तों अरस्तु। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर ने भारत का विजय अभियान कब शुरू किया दोस्तों? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे दोस्तों। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के सेनापति कौन थे? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध या झेलम बितिस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी की पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई दोस्तों। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था दोस्तों। क्या था? निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था दोस्तों। सिकंदर का प्रिय घोड़ा क्या था दोस्तों? बहुकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था दोस्तों। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया। चलिए दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्या कौन चैप्टर है दोस्तों? मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य था। का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोर्स कहा था। सेंड्रोकोर्स चंद्रगुप्त मौर्य को किसने उपाधि दी दोस्तों? जस्टिन ने। किसने कहा था सेंड्रोकोर्स की उपाधि किसने दी? जस्टिन ने। किसको दी? चंद्रगुप्त मौर्य को दी दोस्तों। जिसकी पहचान विलियम जॉन्स ने किया था। जिसकी पहचान किसने किया था दोस्तों? विलियम जॉन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसकी पहचान विलियम जॉन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल यानी आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। घनानंद को हराने में चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था दोस्तों। घनानंद को हराने में चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य का ही अन्य नाम दोस्तों कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है दोस्तों। चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है दोस्तों। उसका संबंध किससे है दोस्तों? राजनीतिक से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा दोस्तों? 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य किसका अनुयायी था दोस्तों? जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के शरवण वेलगोला नामक स्थान पर बिताया दोस्तों। चंद्रगुप्त ने
अपना अंतिम समय कर्नाटक के सरवन बिलगोला नामक स्थान पर बिताया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दोस्तों चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेरूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेरूकस निकेटर को हराया। दोस्तों सेरूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार चार प्रांत जैसे काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी के गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। मेगास्तनी सेरूकस निकेटर का राजदूत था दोस्तों। मेगास्तनीज कौन था दोस्तों? सेरूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेरूकस निकेटर को हराया। सेरूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कनोलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार चार प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्तनी सेरूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्तनी द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका मेगास्तनी के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों का शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, जिन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी की अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे, जो कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे और इन पेड़ों पर प्रकाशित तोते का झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार दो रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। दो और तीन मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, जो कि दिमाग में आपका फिट हो जाए। मेगास्तनी द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। कौन पुस्तक है दोस्तों? इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगास्तनी ने दोस्तों। मेगास्तनी के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में लाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार दो रात एक कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। दो और तीन मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बनी है। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियनासस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियनस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में सर्वन बेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। श्री बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात बिंदुसार का उपनाम है दोस्तों। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। क्या होता है दोस्तों? शत्रु विनाशक अमित्रघात का अर्थ होता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था दोस्तों? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गौशाल ने की थी दोस्तों। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की दोस्तों? मखली पुत्र गौशाल ने की थी। वायु पुराण ने बिंदुसार को भद्रसार या वरिसार कहा गया है दोस्तों। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था दोस्तों। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। उत्तराधिकारी। अस्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, बिंदुसार के दरबार में कौन सीरियन नरेश का राजदूत कौन था? तो दोस्तों डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना गया। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया दोस्तों। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए दो विद्रोहों का वर्णन है दोस्तों। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहली सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस वन से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भोजन की प्रार्थना की दोस्तों। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भोजन की प्रार्थना की। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया दोस्तों। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था दोस्तों। सभा का प्रधान कौन था दोस्तों? खल्लाटक था। अशोक के बारे में पढ़ते हैं, चलिए दोस्तों आगे। अशोक के बारे में, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान था, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम स्वद्रांगनी था दोस्तों। अशोक की माता का क्या नाम था दोस्तों? स्वद्रांगनी था। दिव्यावदान के अनुसार
बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगनी था। दिव्यादान के अनुसार दोस्तों, दिव्यादान बुक है दोस्तों, उसके अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल हुआ करता था दोस्तों। मास्की गुजरा नेतूर एक उड़े गोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिला दोस्तों। मास्की और गुजरा नेतूर एवं उड़े गोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नोट में। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है दोस्तों। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है दोस्तों? दाएं से बाएं की ओर। अशोक के अभिलेखों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शिलालेख, दूसरा अस्तंभ लेख, तीसरा है गुहालेख। अशोक के शिलालेख कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तीन भागों में। पहला शिलालेख, दूसरा अस्तंभ लेख, तीसरा गुहालेख है दोस्तों। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी पेंथलर ने की थी। इसकी संख्या 14 है दोस्तों। अशोक के अभिलेखों पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 के जेम्स प्रिंसेप को हुई थी दोस्तों। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में पादरेटी पेंथलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई। मौर्य प्रांत देखिए दोस्तों और राजधानी। उत्तरापद की राजधानी क्या है दोस्तों? तक्षशिला है। अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों? उज्जैनी है। अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों? उज्जैनी है। कलिंग की राजधानी क्या है दोस्तों? तोसली है। कलिंग की राजधानी क्या है दोस्तों? तोसली है। दक्षिणापद की राजधानी क्या है दोस्तों? स्वर्णगिरी है दोस्तों। दक्षिणापद की राजधानी क्या है? स्वर्णगिरी। परासी या पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या है दोस्तों? पाटलिपुत्र है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। 30 मिनट का पार्ट समाप्त कर दिया गया दोस्तों। आप लोग ये वीडियो अवश्य देखिए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अगर बिहार में आगामी दरोगा बनना है दोस्तों तो इस सीरीज में जरूर भाग लीजिए दोस्तों, एकदम 100% भाग लीजिए। और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर भी कीजिए दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम वीडियो बनाने में काम करें दोस्तों, जिससे हम भी पॉजिटिव रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।